हाँ जी हाँ जी। और एक जमींदार पशु अपने को कैल्शियम दे दो, कुछ दे दो, अगर कोई घर अपना सिस्टम बनाया इसका है, चूना कट्टा लेके पानी के अंदर ऐसे डाल दो, ये देखिए चार दिन में कैल्शियम देने की जरूरत को नहीं, प्योर नीला पानी नीचा इसका काटा अर्डर देखने से पता चल रहा है कि 14 लीटर दूध जो है भाई साहब ने बताया है, इसमें कोई झूठ तो नहीं होगी जी? ना 1% भी नहीं भाई, मौका अगला तैयार कर देख लेगा। रिंग सिंग है बिल्कुल भी, 0 साइज भी, और अर्डर का साइज देख करके आप पता लगा सकते हैं अच्छे दूध वाली है। दूध कितना साइज इसका? दूध 16-17 लीटर मौका पे तैयार है। और भी बना जाएगी? बनाने की कोशिश है पूरे 18 लीटर दूध की। 18 लीटर दूध की? हां जी। 6 दांत है, काला इस पे काटी है, 16 लीटर दूध मौके पे तैयार है। ये कटड़े भी दूसरे भैंस है, 16 लीटर मौके पे दूध तैयार बता रहे भाई साहब। 16 पावा की मिनकी में 16 का 17 इसका 15 नहीं होगा। वैसे कम ही बताना चाहिए, कोई आए तो उसको संतुष्टि हो देख करके। चार टाइम अपना दूध काटो, दुआई करो पसंद आ तो लगभग। हां जी हां जी। 45 दिन 44 दिन 43 दिन मारे एक पशु गया, पण इस फीड के अंदर क्विंटल के 5 किलो गुड़ गिर रहा है। गुड़ हम ना पशु को एक्स्ट्रा देते। हां जी। गुड़ अगर किसी पशु को देना है तो ये खुद उनके पास से गुड़ भी ले आ गया ना मैंने। अच्छा, गुड़ भी कंपनी का ही है अभी? उन्हें का रसदार आ गया ले आते हैं गुड़। गुड़ आप खाएंगे देखो, चाय बना लो, कुछ भी कर लो, ये आप देखने से पता लगा सकते हैं। जो मिक्स करके मन जाएंगे मौके पे जाएंगे देखो डा भाई का दौरा 15-16 अनाज है, मीठा यो के ना मीठा सोडा है, नमक है, और भी कई आइटम है जो से मैं तुम्हें देख के बता दूंगा। किस रेट में पड़ता हो जी फीड ये? यो आज 1750 रुपया कट्टा भाई जी, 50 किलो का 49 किलो ही पैकिंग का कट्टा, 49 किलो की 1750 काफी, जो खड़ का जो रेट होता है उससे भी कम, उससे भी कम रेट है। और अनाज जो किसी भाई की लेके आना थोड़ा एक बार पहला जाएगा उसको प्लांट पर देख। नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं भी आज की इस नई वीडियो के अंदर। आज हम पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर, यहां पे जो आज हम पहुंचे हैं अशोक भाई के पास, राजली गांव से है, और इन्होंने अपना यहां पे डेयरी फार्म सेटअप लगाया भाई। एक डिटेल से वीडियो हम बनाएंगे इनकी, जीरो से हीरो तक बनने का जो सफ़र है, काफ़ी अच्छा डेयरी फार्म ये अपने यहाँ पर चला रहे हैं। और इस वीडियो में आपको दिखाएंगे भी जो सेल वाले पशु हैं इनके पास, सेल परचेज का भी काम है साथ ही साथ दूध का भी काम है भाई। एक काम से काम नहीं चलता आदमी को, पशु व्यापार भी करना पड़ता है, दूध भी सेल करना पड़ता है भाई। राम राम भाई, मंदीप राठौड़। नमस्कार जी। डेयरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी हाँ जी। और भाई जी ठीक ठाक है? जमा बढ़िया जी। और आपके दर्शक ना सारे ना, राम राम भाई। आज अपना भाई एक झोटी तो यहाँ दूसरा की, ये अभी दूसरे ब्यांत की झोटी है इनके पास, 8 दांत तोड़े बताए भाई साहब ने, और छोटे सिंह की है बिल्कुल प्योर मुरा में, 5 दिन की ब्याई होगी, बिल्कुल छोटे थे ना जी। और दूध जो अभी निकाला हुआ है, अभी जो है लगभग 10 बजे का टाइम है अभी, ये देखो भाई 10:21 दूध निकाले को, 14 लीटर तैयार दूध है नीचे इसका काटा। अर्डर देखने से पता चल रहा है 14 लीटर दूध जो है भाई साहब ने बताया है, इसमें कोई झूठ तो नहीं होगी जी? ना 1% भी नहीं भाई, मौका अगला तैयार कर देख लेगा। दूध निकाल के देख सकता है जी, और भैंस बेचने का काम भाई तड़का ना पे जुआई भी लेट करा। हाँ जी, लगभग 4:30 बजे जुआई करण लग गया। हाँ जी हाँ, 4:30 बजे दूध निकाला जाता है पशुओं का, दूध का भी काम है इनका, 4:30 बजे दूध निकला सारे पशुओं का। हाँ जी, उसके बाद में बताएं बाद एक या दो टी अपन बेचनी होनी, आज मौके पे 20 लीटर दूध तैयार है, 27 दिन की ब्याई होगी, सेकंड ब्यांत में है, 8वें दान पर दी है ये 20 किलो दूध की भैंस है इनके पास, 27-28 दिन जो ब्याई हुई होगी है, दूध बेचने का भाई का काम है अभी। किस रेट में दूध जाता है जी आपका? अपना दूध 70 रुपये किलो जाओ भाई, ये 2 नंबर पे भी बिक्री वाली भैंस है,
जोटी बोल है छोटे सिंह है बिल्कुल शरीर पे जस्ते हुए बड़ा मजबूत थन ले रही जोटी बिल्कुल छोटा मुठिया आकार का जो थन है बहुत बढ़िया थन गाढ़ा मुठिया आकार से भी बहुत अच्छा। इसकी क्या डिटेल है जी कितने दिन की ब्याई होगी? ब्याई होगी आज या 15 दिन की 12 साढ़े 12 13 लीटर दूध मौका पर तैयार है जोटी का। 12 चार दांत है चार दांत जो बताइए भाई यो काटा है इसका ये बच्चा भी साथ में कट्टा है पलड़ी का बच्चा है जो पहले दिखाई थी इसके नीचे कट्टी है कट्टा है उसके नीचे भी ये पहले भी नंबर पे दिखाई थी आपको उसके नीचे भी कट्टा है और अब आती हुई तीन नंबर पे उसे दिखाएंगे काफी अच्छा अच्छा पशुधन ये अपने फार्म पे रखते हैं भी अच्छे दूध वाली और ये साथ में बुल भी है लीटर में और किलो में कितना फर्क होता है लीटर में इसके नीचे काटनी है वो साथ में कटनी भी 23 से 24 दिन की ब्याई हुआ पशुधन है बिल्कुल छोटे सिंह शरीर पे जुटते हुए राउंड रिंग सिंह है बिल्कुल भी जीरो साइज में और अल्टर का साइज देख करके आप पता लगा सकते हैं अच्छे दूध वाली है। दूध कितना बताया जिसका? दूध 16 से 17 लीटर मक्खन पे तैयार है और भी बना जाएगी बनाने की कोशिश पूरी 18 लीटर दूध की 18 लीटर दूध की मिल्क कैपेसिटी है भाई। रेट क्या होगा जी इसका? इसका रेट मक्खन का भाई मौका तो आज ही है लोग देखेंगे वीडियो में फोन के पता कर सकते हैं फोन फोन करके पता कर सकते हैं। दूसरे जोटिया है हाँ जी 6 दांत है काला इसका या काटी है 16 लीटर दूध मौके पर तैयार है ये कटड़े भी दूसरे भी आंत की भैंस है ये 16 लीटर मौके पे दूध तैयार बता रहे हैं भाई प्लस पावा की मिनकी में 16 का 17 इसका 15 नहीं होगा वैसे कम ही बताना चाहिए कोई आए तो उसको संतुष्टि हो देख करके चार टाइम अपना दूध काटो दुआई करो पसंद आओ तो ले काफी अच्छे एक्सरसाइज की भी ये भी बहुत अच्छी बरा भाई जो शाम का टेंशन कम गया। ये भाई का जो पशुधन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और एक ये भी घर की भैंस है ये इनकी घर की तैयार करी हुई भैंस अभी ये कौन से बुल की सीमन की कोई जाने में इसका कोई सिंगल नहीं आप तो मोल खरीद के लाए थे पिछले ब्यांत में हाँ जी पिछले ब्यांत में 23 किलो दूध दिया मैंने पिछले ब्यांत में 23 किलो दिए इन्होंने 6 दिन की ब्याई होगी 6 दिन की दूध मौका पर तैयार है 6 दिन की ब्याई में 16 लीटर दूध बताया भाई साहब ने काफी अच्छी बड़े साइज की भैंस है। अच्छा नीचे नवाब का बच्चा है भाई नीचे जो नवाब का बच्चा कटड़ी है जी कटा है जी कटा ये कटड़ा भी नवाब बुल का कटा ही मांगे था अपन कटा दे दिया मालिक ने आपको अगर अच्छे से दिखा देते हैं तो नजदीक से क्योंकि अच्छे बुल का दिखाना पड़ेगा इसका पहला बच्चा और दिखाई देते मैं इसका जी ये सेल के लिए करते हैं सेल कोई दिक्कत नहीं दूध 23-24 किलो दे देगी 26 किलो की आस है भाई 26 किलो दूध बता रहे हैं भाई साहब दूध तलवाएंगे इसका दूध टाइम लगेगा स्किन करवाओगे मंडी पराठोड़ का पक्की अच्छा जी और इसका जो पिछले ब्यांत का जो बच्चा है वो भी आपको दिखाएंगे जी काफी बढ़िया तैयार किया है भाई साहब ने मैंने तौर लगन के साथ अर्जुन कुंगड़ का है भाई अर्जुन कुंगड़ का काफी अच्छा जो चैंपियन बुल रहा और बच्चे भी काफी अच्छे पूरा 19 महीने का हो लिया है 19 महीने का जो बच्चा है काफी बढ़िया चैंपियन तैयार हुआ है ये भी तो आप मेले वगैरह में जाते हो जी मेला में ही ले जाएंगे भाई जी अब जो आगे मेला लगेगा जो मेला लगा उसमें लेके जाएंगे आगे मेले के लिए मैं आपको देखने को मिलेगा काफी बढ़िया अच्छा तैयार किया इन्होंने और मौसम भी थोड़ा बादल वाइज है तो इसके कारण जो वीडियो थोड़ा आपको साफ नहीं दिखाई दे रही होगी उसके लिए आपसे माफी चाहेंगे और बिल्कुल जेड बलेगा जी और टेस्टिकल साइज है वो भी आप देख सकते हैं जी काफ़ी बढ़िया बुल और काफ़ी बढ़िया जो इनका डेयरी फार्म भी यहाँ पे कच्चे की सुविधा पक्के की सारी सुविधा है एक वीडियो अलग से लेकर के आएंगे इनका जो जीरो से हीरे बनने का सफ़र है इन्होंने अपने डेयरी फार्म में कामयाबी कैसे प्राप्त की है वो अगली वीडियो में आप जानेंगे जी आज का वीडियो इतना ही था जो सेल वाले पशु थे आपको दिखाने थे अभी जो लेते हैं भाई साहब से नंबर इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो में दिया जाएगा आप कॉन्टैक्ट जो है कर सकते हैं जी तो जी आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर बताइए कोई भी आपसे संपर्क करे 1799-76-90-17-17 जी 99 हाँ जी 76-17 तो ये इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है कभी भी आप फोन से कर सकते हैं जी और साथ में जो फीडिंग में
क्या देते हैं, इतना जो दूध निकालते हैं इनके पशुधन अच्छा। तो ये देखें जी इनका फीड है, ये हमारा रसदारा फीड है भाई। ये आपका खुद का ब्रांड है जी? ना खुद का ब्रांड नहीं अपना, मैं खूब ब्रांड यूज करके देखे भाई। हाँ जी, मैं सबसे अच्छा ब्रांड लगे है, इसमें कोई कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। दोबारा एस आर कैटल फीड है रसदारा, इसमें आपको कमीशन वगैरह है? कुछ भी नहीं अपना इसमें कोई कमीशन नहीं, क्वालिटी हम दोनों को। हर एक आदमी छोटा जमींदार ये भी जमींदार अगर यो यूज करेगा तो अच्छा प्रॉफिट पाओगा, क्योंकि भी किसान जो है घाटे के सौदे के अंदर फंसा हुआ है। कुछ कोई नया बताता है, कुछ नया बताता है, तो इसके अंदर आपको ये बताया गया अभी ज्यादा जो चक्कर में न पड़े। ये अच्छा फीड है, ये अपने पशुधन को दे रहे हैं जी, तभी अच्छा लगातार यूज कर रहा हूँ भाई मैं। इसके अंदर कोई रिपीटर वगैरह ऐसा समस्या? तो आपके पशु इस फीड से टाइम पे क्या हो जाते हैं जी? भाई साहब अपना पशु लगभग हाँ जी जी 45 दिन 44 दिन 43 दिन मारे एक पशु क्या हो इस फीड के अंदर क्यों कर गए 5 किलो गुड़ गिर रहे हैं। गुड़ हम ना पशु को एक्स्ट्रा देते। हाँ जी, गुड़ अगर किसी पशु को देना है तो ये खुद उनके पास से गुड़ भी ले आ गया ना मैंने। अच्छा, गुड़ भी कंपनी का ही है? पुणे का रसदार है, ले आते हैं गुड़। गुड़ आप खाएंगे देखो, चाय बना लो, कुछ भी कर लो, ये आप देखने से पता लगा सकते हैं। गिरते हैं वो दुकानों से लेके आते हैं, उसके अंदर लाल होगा या और रंग मिलाया होगा। 40 रुपए किलो देता है, पैसे अच्छे लगते हैं, फिर क्वालिटी मिलती है उनके पास। ये दाना भी भिगो करके देते हैं? ये दाना भिगो रखे है भाई जी, काटा का दाना भिगो रखे है। क्या 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 मिक्स होते हैं इसमें आइटम? भाई सारे आइटम मिक्स है, जो मिक्स करके मन जाएंगे मौके बजाएंगे देखियो भाई का। दो 15 से 16 अनाज है, मीठा यो क्या मीठा सोडा है, नमक है, और भी कई आइटम है जो से मैं तुम्हें देख के बता दूंगा। किस रेट में पड़ता हो जी फीड ये? यो आज 1750 रुपया कट्टा भाई जी, 50 किलो का 49 किलो ही पैकिंग का कट्टा 49 किलो की 1750। काफी जो खड़ का जो रेट होता है उससे भी कम है? भी कम रेट है। और अनाज जो किसी भाई की लेके आना थोड़ा एक बार पहला जाएगा उसका प्लांट पर देख के। जी ये प्लांट है? यो प्लांट अपना बरवाड़ा से जींद रोड पे। अच्छा जी, बाईपास तलीगढ़ दे सर। और आपके यहाँ से कोई लेना चाहिए तो? अपना लेना चाहो तो आप इतना ले जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं, उसी रेट में देवांगे अपना पहुंच पर ही। ठीक है जी, ये था वीडियो, आपको कैसा लगा? बहुत सा भाई तो वीडियो काफी लंबा हो गया अभी। ये वीडियो आज इनका दिखाई, पशुधन सेल वाले हैं, क्या देते हैं फीड में, और इन्होंने एक बुल भी तैयार किया है। हाँ जी हाँ जी, और एक जमींदार पशु अपने को कैल्शियम दे दो, कुछ दे दो, अगर कोई घर अपना सिस्टम बनाया इसका चूना कट्टा लेके पानी के अंदर ऐसे डाल दो, ये देख सकते हैं कैल्शियम देने की जरूरत को नहीं, प्योर नीला पानी। ये कैल्शियम के लिए यूज करते हैं जी चूना, जो स्प्रे चूना हम घरों में करते हैं, तो वो इन्होंने पानी के अंदर डाला है। इसके आधारों बेनिफिट बताओ डॉक्टर वैज्ञानिक है, जो आप पुराने लोग हमें इससे शुद्ध पानी नहीं हो सकता, इसमें पीना मत ऐसा नमकीन पानी अगर ये चूना मिला के पियाओगे तो पशु पियोगा अच्छा खुश होगी पशु। तो आपको महंगे रेट की जो कैल्शियम वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी? अभी देते नहीं कभी भी, हमारी यही कैल्शियम है भाई। ये देखें भी बहुत सारी जानकारी भी मिली है साथ साथ वीडियो के अंदर। तो आपको ये वीडियो कैसे ली कॉमेंट में जरूर बताएं, और कुछ बातें जो बोलना हम पूछना भूल गए हैं क्योंकि आप कॉमेंट में जरूर बताया करो भी क्या क्या पूछना चाहिए एक पशु डेयरी फार्म से, तो पशुओं का मालिक है उनसे। तो धन्यवाद सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए।